पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सके। हमेशा की तरह हमारे तीन सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मेंथा लगाएं और मुनाफा कमाएं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के एक सफल किसान से, और फिर बात होगी सरकारी योजनाओं की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे एक ऐसी फसल की खेती के बारे में जिसकी बाजार में मांग काफ़ी अच्छी बनी रहती है, जिसके चलते आप अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं, और ये फसल है मेंथा। किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्या आपको तैयारियां करने की ज़रूरत है, कैसे आप इसे लगाकर अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, आइए बताते हैं आपको विज्ञान और किसान सेगमेंट में। मेंथा की खेती पूरे भारत वर्ष में की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में की जाती है। मेंथा एक वर्षीय झाड़ी नुमा पौधा है। पूरी दुनिया में मेंथा से निकले मेंथोल तेल की खपत लगभग 9,500 मीट्रिक टन है। मेंथा तेल के उत्पादन में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर एक है। केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान मेंथा की खेती पर लगातार शोध कर रहा है। मेंथा की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, साथ ही जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, भूमि का भुरभुरा होना भी जरूरी है, जिससे खेतों में वायु संचार बना रहे। मेंथा की वृद्धि के लिए वर्षा जरूरी है। मेंथा की रोपाई से पहले खेत की गहरी जुताई करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय खेत में 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालने से उपज अच्छी मिलती है। मेंथा के तेल का उपयोग दवाइयां बनाने, सौंदर्य प्रसाधनों, पेय पदार्थों, सुगंध के लिए किया जाता है। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल की मेंथा फसल से 150 किलोग्राम तेल निकलता है। बेहतर फसल प्रबंधन यानी समय से रोपाई, सिंचाई और उर्वरकों के सही इस्तेमाल से मेंथा की खेती की जाए तो मात्रा 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाती है। इसके लिए नई तकनीक से बना अस्वान संयंत्र अधिक लाभप्रद है। अब किसान पूरी तकनीकों को छोड़ नई आसवान निधि को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। नई आसवान संयंत्र की टंकी छोटी है, इसमें ईंधन कम लगता है। इस आधुनिक तकनीक से तेल जल्दी और अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मेंथा का तेल निकालने से पहले मेंथा को कटाई के बाद संयंत्र में ले जाते हैं, फिर कटे हुए मेंथा को कुछ समय के लिए फैला देते हैं। इससे इसकी पत्तियां कुछ पीली पड़ जाती है और फसल का वजन भी कुछ कम हो जाता है। इसके बाद इसे डिस्टिलेशन संयंत्र में भरकर इसे गर्म करते हैं। इस प्रकार गर्मी पाकर मेंथा से जलवाष्प तेल एक टैंक में एकत्रित होता है। बचे अवशेष यानी जिंगरा को बाद में खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मेंथा की कटाई के 15 से 20 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दें। समय समय पर खेत की निगरानी करते रहें, ताकि समय से कीट रोग प्रबंधन किया जा सके। किसान भाई अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आधुनिक तरीकों से मेंथा की खेती करें तो निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ आपको बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाएं आपको हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन कर रहे एक सफल किसान से। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, नाम है इनका निमित कुमार। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, इसमें लागत कम लगती है और मुनाफा काफ़ी अच्छा होता है, बशर्ते इसमें कुछ सावधानियाँ बरती जाएँ। और यही सावधानियाँ बरती हैं हमारे आज के सफल किसान ने भी। तो फिर आइए उनके सफर की जानकारी उन्हीं से लेते हैं। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो BTech की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं, जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं।
जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को पराग कण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, परपुलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ, तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 times बढ़ जाती है। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12,00,000 की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल है। मोम जो हमारा निकलता है उससे बनाते हैं हम मोमबत्ती, मोमबत्ती से हम के बाद जो मोम बचता है उससे हम साबुन बना लेते हैं, फिर मोम से हम क्रीम बनाते हैं। तो ये 3 उत्पाद हमारे केवल मोम के हो गए। उसके बाद हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है पोलन। पोलन को हम, हमारे पास ड्रायर है हमारे लेबोरेटरी में, तो ड्रायर में हम पोलन को सुखा के उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करके उसको बाजार में हाईली रिच प्रोटीन डाइट की तरह हम उसको बेच सकते हैं। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है, फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं। इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। छोटी छोटी मशीनें लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर मैं खुद अपने रख लिया और मैं उस पर खुद ही टेस्टिंग करने लगा। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं। आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। कॉम्ब हनी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा छत्ता होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया हुआ, उसमें पूर्णतः मधुमक्खी पूरा शहद भरती है और भरने के बाद जब उस पर पूर्णतः एक मोम की परत जम जाती है तो उसे हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। अब उसको हमें एक शेप देना होता है, या तो पूरा फ्रेम दें, फुल फ्रेम बोलें या हाफ फ्रेम बोलें, या तो हम एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको भी लगा सकते हैं। ये निकलने के बाद जब हम बक्से में शहद तैयार हो जाता है, उसको हम मशीन द्वारा शहद निकालते नहीं हैं, हम क्या करते हैं इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज में लगाने के बाद इसका डिमांड ज़्यादातर होटल्स से होते हैं, होटल्स में डिमांड होते हैं, ज़्यादातर इसके पार्टीज में डिमांड होती है इसकी। इसे लाइक च्युइंगम हम खा सकते हैं, इसमें क्योंकि पूर्णतः पूरा शहद जमा होता है और हमें इसे कट करना है और सीधे हमें इसे च्युइंग करके, दांतों से च्युइंग करके हमें इसे खाना है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं, जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ, पर देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। जल प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। तो क्या क्या है इसके घटक, कैसे जुड़ सकते हैं आप इससे, आइए आपको बताते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उपघटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है।
इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज के सेगमेंट में बात होगी केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको खेती से संबंधित किसी कार्य के लिए ऋण चाहिए तो केसीसी के माध्यम से बैंक से आप आसानी से ऋण ले सकते हैं, वो भी कम ब्याज दरों पर। इसके लिए बस आपको बनवाना होता है अपना किसान क्रेडिट कार्ड। तो क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, आइए आपको बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि। सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गुण स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ आपको बताएं कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, पता है हमारा कृषि दर्शन कमरा नंबर 58 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Our guest today on this special episode of The Journey. ये जो बेस माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं, You are born to make the difference. Your program says it's a journey. It's the startup India. Do not go abroad. 10 more years. 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian Parliamentarians in Conversation with China NC. ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत, बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रामीण पोर्टल्स तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। देखना न भूले हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बदलते भारत की शान।